कैंट थाने की पुलिस ने महिला से छेड़खानी तथा मोबाइल लूट करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आदित्य चौहान पुत्र भरत चौहान निवासी परसौनी खुर्द थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का मोबाइल बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 3 अक्टूबर को पीड़िता द्वारा आदित्य चौहान के विरुद्ध छेड़खानी करने व मोबाइल छीनकर भाग जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब, मैं और पीड़िता एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, हम दोनों में पढ़ाई के दौरान बातचीत होती रही तथा स्कूल छोड़ने के बाद भी कभी कभी बातचीत होती थी। पीड़िता मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं नंबर बदलकर उसे फोन करता था, लेकिन वह मना करती रहती थी। 3 सितंबर को मैं एम्स के तरफ जा रहा था, वहां पर पीड़िता मिली, जिसका हाथ पकड़कर मैंने बात करना चाहा तो वह विरोध करने लगी, तो मैंने उसे मारा तथा उसका मोबाइल छीनकर भाग गया था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक संतोष सिंह, कांस्टेबल रोहित सिंह शामिल रहे।